अबीले की रस्म से मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी तो कर ली, मगर शहर खामोशा मेरे यहां आने का असल मकसद था, जिसे मैं भूलना नहीं चाहता। तुम अपना मकसद भूलना चाहो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है सिंबाद। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शहर खामोशा की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। मैं अपना ये घर छोड़कर जा रही हूं। ये घर और इस घर की एक एक चीजें जिनसे मुझे बेइंतहा प्यार है मुझसे छूट जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगी। देखो सिंबाद, तुम माजिम्बा से यही पूछने गए हो ना कि मैं हर सफर में तुम्हारी हम सफर रहूंगी या नहीं। सिंबाद, मैं मरते दम तक तुम्हारी हम सफर रहूंगी। कबीले पर कुर्बान होने वाली कबीले की बहादुर बेटी, काश मैं अपने तिलिस्म से तेरी और तेरे कबीले की तकदीर बदल सकती तो फिर तुझे आज अपनी जान की कुर्बानी न देनी पड़ती। मैं होने को दिखा तो सकती हूं, मगर होने को टाल नहीं सकती। माजिम्बा, आओ सिंबाद। माजिम्बा, तुम तो मुस्तकबिल का हाल जानती हो, तो फिर मुझे बताओ कि जब मैं जजीराए चकमाक से काली तिलिस्मी खोपड़ी अपने साथ ले जाऊंगा तो जरनिगार मेरे साथ होगी या नहीं होगी। सिंबाद, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? माजिम्बा, ये सवाल असल में एक शक के बिना पर मेरे जहन में पैदा हुआ है। कैसा शक? ये शक असल में जरनिगार के अजीब रवैये की वजह से पैदा हुआ है। उसकी बातों के अल्फाज कुछ और होते हैं और उसके पीछे छुपे हुए मायने कुछ और। मुझे यूं लगता है जैसे कोई राज है जो अल्फाज के पर्दे में वो मुझसे छुपाना चाहती है। हाँ सिंबाद, उसने ये बात सबसे छुपाई है, बता भी कैसे सकती थी। क्या हुआ माजिम्बा, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी कौन सी बात है, बताओ ना माजिम्बा। देख पाओगे? क्यों नहीं, तो आओ।
मरने नहीं दूंगा। मौत को भी कोई रोक सकता है? सनिगार, तुम्हारी एक कुर्बानी कबूल नहीं, तुम्हारी एक कुर्बानी कबूल नहीं। सरदार जिंगारू, क्या जनिगार के जिस्म से इस जहर को निकालने का कोई रास्ता, कोई तरकीब नहीं? नहीं सिंधबाद, हमने सारी जड़ी बूटियां आजमा कर देख ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या हम बेबसी से जनिगार की मौत का तमाशा देखेंगे? आखिर इस कातिल जहर का कोई तो इलाज होगा। सिर्फ एक ही इलाज है सिंधबाद। क्या है वो इलाज, जल्दी बताइए सरदार जिंगारू, क्या है वो इलाज? इस कातिल जहर का त्रियाक यानी जहर का तोड़ चकमाक जिन के पास है। जहर का वो त्रियाक अगर जरनिगार की जान बचा सकता है तो मैं अभी चकमाक के पास जाता हूं। चकमाक के पास तो हम भी जा सकते थे सिंधबाद, मगर जालिम चकमाक जरनिगार की जान बचाने के लिए वो जहर का त्रियाक हमें क्यों देगा भला? उंगली टेढ़ी किए बिना ही नहीं निकलता सरदार। अगर चकमाक शराफत से राजी नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती उससे त्रियाक छीन लूंगा। मगर सिंधबाद, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा, जकाला भी तुम्हारे साथ चलेगी। नहीं जकाला, आज नहीं, इस वक्त मैं अकेले ही जाऊंगा। मगर सिंधबाद, चकमाक शैतानी और तिलस्मी ताकतों का मालिक है। सिंधबाद का अल्लाह मालिक है जकाला, तुम यहीं रहो। जरनिगार की आंखें जहर के असर से बंद हुई जा रही है, तुम इसे सोने मत देना जकाला, इसे जगाए रखना। मैं जा रहा। मर, खा और खा, दिन रात खाने के सिवा तुझे काम ही क्या है? हंसता क्या है बेहया मर्दूद, अपनी बूढ़ी माँ का कुछ ख्याल नहीं है तुझे? माँ, तू तो बिल्कुल आदमजादों की तरह बातें कर रही है। चुप करना लायक, खामोशी से खाना खा ले।
दिन रात रोटियां पकाते पकाते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। अब नहीं होता मुझसे, मैं तो आज ही जा रही हूँ कोहे काफ। तू कोहे काफ चली जाएगी तो मुझे खाना बनाकर कौन देगा माँ? अपने जादू से तिलस्मी रोटियां बना बना कर खाना। जो मजा तेरे हाथ की बनी रोटियों में है वो मजा तिलस्मी रोटियों में कहाँ मिलता है माँ? तिलस्मी रोटियां तो फीकी फीकी लगती हैं। तो फिर तू भी चल मेरे साथ कोहे काफ। इस जजीरे में रखा ही क्या है बेटे? मैं अपना काम छोड़कर कोहे काफ नहीं जा सकता माँ। काम? खाने के अलावा भी तेरा कोई काम है क्या? हाँ माँ, शाहे जुलान कोकब ने मुझे आदमजादों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए यहाँ भेजा है माँ। अच्छा, कोकब ने जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए तुझे यहाँ भेजा है? हाँ हाँ माँ। मगर तूने आखिर कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ा है अब तक? दिन रात बस रोटियाँ ही तोड़ता रहता है। माँ, जुल्म ढाने के लिए पेट में रोटियाँ तो चाहिए ना। रोटी रोटी रोटी, मैं तो तंग आ गई तेरी रोटियों की भूख से। अच्छा है अगर किसी दिन तू वो आखिरी रोटी भी खा ले तो किस्सा ही खत्म हो। कैसी बात करती है तू, आखिरी रोटी में तो मेरी जान है। उस तिलस्मी रोटी को तोड़ते ही तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, तू ऐसे नहीं मर सकता चकमा। तू तो अपनी बूढ़ी माँ को मार कर ही मरेगा। रोटियाँ पकाते पकाते मैं ही एक दिन मर जाऊंगी। तब ले जाना मेरा जनाजा कोहे काफ। अरे तू तो रोने लगी माँ। रोऊ नहीं तो क्या करूँ, न खुद कोहे काफ चलता है न मुझे जाने देता है। अच्छा तू रो मत माँ, तू कोहे काफ जाना चाहती है ना, तो चली जा, अभी चली जा। ठीक है चकमा, मैं जाती हूँ। कोहे काफ से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तेरे लिए भेजूंगी और शाह जिन्नात से तेरे लिए तावीज भी बनवाऊंगी। शाह जिन्नात से तावीज? तावीज किस लिए माँ? क्योंकि मुझे शक है तुझ पर कोई आदमजात सवार हो गया है। आदमजात सवार हो गया है मुझ पर? हाँ बेटा, जिस तरह आदमजादों पर जिन्नात सवार हो जाते हैं उसी तरह कोई आदमजात का बुरा साया तुझ पर पड़ गया है। अच्छा माँ, अब तू जा, मेरा भेजा मत खा, मुझे खाना खाने दे। वैसे भी आज तूने बहुत कम रोटियां बनाई हैं। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ। अपना ख्याल रखना, बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। हाँ, तिलस्मी खत भेजते रहना। हाँ हाँ माँ, तू जा तू जा। सिंदबाद, हकीर आदमजाद, तू फिर आ गया मेरे आका चकमाक के तिलिस्मी गार में। हाँ, मगर अच्छा हुआ कि चकमाक से पहले तू मेरे सामने आ गया तिलिस्मी मुखबिर। पिछली बार तो तू हमें हमारे ही घर में जलील करके जिंदा सलामत वापस चला गया था सिंदबाद, मगर आज बच कर नहीं जा पाएगा। आज हम गिन गिन कर अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है शैतान के चेले। खुदा जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। अगर ऐसा ही है तो आज तेरी बारी है सिंदबाद। हम तुझे ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि तेरी इज्जत और शोहरत खाक में मिल जाए और फिर कोई आदमजाद मेरे आका चकमा की तरफ नजर उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं कर सके। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी बीवी जरनिगार जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है। मैं चकमाक से तेरी आंख लेने आया हूँ। ओ, तो तू जहर का तेरी आंख लेने आया है? हाँ, और उस जहर के तेरी आंख को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ से वापस तो तू उस सूरत में जाएगा सिंदबाद जब जिंदा बचेगा। और तू क्या समझता है कि मेरा आका चकमाक तेरे हुक्म का गुलाम है जो तुझे इतनी आसानी से जहर का तिर्याक दे देगा, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे तू आका चकमाक से छीन कर ले गया था? वो लड़की अब मेरी जिंदगी है, मेरी शरीक हयात है तिलिस्मी मुखबिर। और अब उस जहर का तोड़ हासिल करने की तरकीब
तू मुझे बताएगा। मैं इतना बेवकूफ, इतना अहमक नहीं हूं सिंदबाद, जितना तू मुझे समझता है। मैं भला तेरी आंख हासिल करने की तरकीब तुझे क्यों बताऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए नहीं सिंदबाद, नहीं। आप शारे कजा का ये कातिल तेजाब शैतानों का बनाया हुआ तिलिस्मी गरबा है, जो अक्सर तुम जैसे शैतानों को काबू करने के काम आता है। मगर मैं जानता हूं कि इस कातिल तेजाब से तू तो मर सकता है, मगर तेरा आका नहीं। मेरा आका इतना मामूली जिन नहीं कि इतनी जल्दी हलाक हो जाए, क्योंकि क्योंकि तेरा आका चकमाक ने अपनी जान कहीं और महफूज कर रखी है, यही ना? हाँ, वो राज अगर मैं तुझे बता दूं तो चकमाक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर चकमाक की जान का राज तू मुझे नहीं बताएगा तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा तिलिस्मी मुखबिर। नहीं सिंदबाद, नहीं, इस कातिल तेजाब को मुझसे दूर ही रखो। मेरे लिए तो अब यही आखिरी रोटी है, इसे ना खाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरी जान निकल रही है, और इस आखिरी रोटी को खाऊंगा तो सचमुच मेरी जान निकल जाएगी। फिर आ गए? हाँ, जरनिगार को तो तू पहले ही ले जा चुका है, अब क्या लेने आया है? अब जरनिगार की जिंदगी लेने आया हूँ। क्या मतलब? मुझे वो तिरयाक चाहिए चकमाक, जो किसी भी जहर के असर को जाहिल कर देता है। जरनिगार ने जहर खा लिया है। जरनिगार ने जहर खा लिया है? जो मुझे जहर खिलाकर कत्ल करना चाहती थी उसने खुद जहर खा लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मरने दो मेरी जान की दुश्मन को। नहीं चकमाक, जरनिगार अब मेरी बीवी है और उसकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे हरगिज हरगिज मरने नहीं दूंगा।